नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर के सरकारी अस्पतालों में ओमिक्रॉन के लिए बनेंगे अलग वार्ड, पालक मंत्री नितिन राउत ने की घोषणा। नागपुर महानगर पालिका पानी के टैंकर ने बालक को कुचला, स्कूल से लौटते हुए हुआ हादसा, परिसर में तनाव। और नागपुर वांजरी और आसिन नगर जोन में जलापूर्ति होगी बाधित, वांजरी में मरम्मत और आसिन नगर में टंकी की स्वच्छता के कारण जलापूर्ति बाधित। और अब खबरें विस्तार से। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए शासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकारी मेडिकल कॉलेज और इंदिरा गांधी शासकीय मेडिकल कॉलेज मेयो में ऑक्सीजन सहित सभी सुविधाएं के साथ एक अलग वार्ड तैयार किया जा रहा है। पालक मंत्री नितिन राउत ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में पोस्ट कोविड मरीजों की इलाज और मार्गदर्शन के साथ साथ उन्हें बेहतर आहार के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। सोमवार को इस संबंध में बैठक पालक मंत्री की अध्यक्षता में संभागीय आयुक्त कार्यालय में हुई, जहां पर ओमिक्रॉन को लेकर सभी ने विस्तार से चर्चा की। पालक मंत्री से लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। इस बैठक में टास्क फोर्स ने कहा कि वैक्सीन लगाने वालों में ओमिक्रॉन की संभावना कम होती है, इसलिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। शहरी क्षेत्रों में वैक्सीन का पहला 100% हो चुका है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी 90% लोगों को ही वैक्सीन लगी है। पालक मंत्री ने जिले में वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के सरपंच और शहर में अधिकारियों के साथ मिलकर इस मुहिम को पूरा किया जाए। बैठक में पालक मंत्री ने कहा कि जिले में टास्क फोर्स को बाल रोग विशेषज्ञ को संक्रमण को रोकने के लिए एक अलग से बच्चों के लिए टास्क फोर्स का गठन कराना चाहिए, जहां बच्चों के उपचार के साथ सही जानकारी और बेहतर सुविधा उपलब्ध की जाए। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जिले में आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के साथ ही ऑक्सीजन, वेंटिलेटर आदि की भी समीक्षा की गई। नागपुर में गांधीबाग के गारमेंट व्यापारी को कम कीमत में लग्जरी कार बेचने का झांसा देकर 26 लाख रुपए का चुनार लगा दिया। मिली जानकारी के मुताबिक जरीपटका निवासी चिराम केवल रामानी की गांधीबाग में आरडी डिस्ट्रीब्यूटर नामक गारमेंट की होलसेल दुकान है। उनकी 28 जून को सोशल मीडिया पर मुंबई के कथित अर्जुन अय्यर से पहचान हुई। अर्जुन ने चिराग को कम कीमत में लग्जरी कार दिलाने का झांसा दिया। उसने चिराग से 26 लाख रुपए लिए, फिर कार देने में टालम टोल करने लगा। चिराग द्वारा पैसे मांगने पर भी कन्नी काटने लगा। चिराग की शिकायत पर तहसील पुलिस ने केस दर्ज किया है। नागपुर के सक्करदरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पानी के टैंकर की चपेट में आकर मनपा स्कूल से घर जा रहे बालक की दर्दनाक मौत हो जाने का मामला सामने आया है। घटना सोमवार सुबह ताजबाद की आजाद कॉलोनी के पास घटी, जबकि घटना से कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति निर्माण हो गई थी। ताजबाग परिसर मृतक बालक का नाम मोहम्मद अयान मोहम्मद इरफान है, जो 8 साल का बताया जा रहा है। अयान मनपा स्कूल में तीसरी का छात्र था। 16 दिसंबर से मनपा स्कूल आरंभ हुई है। बताया जाता है कि अयान सोमवार सुबह स्कूल गया था। सुबह 11:30 बजे सहपाठी के साथ घर लौट रहा था, तभी गुलशन चौक के पास पानी का टैंकर क्रमांक MH40Y1478 गली से गुजरा। अयान टैंकर के पिछले पहिए की चपेट में आ गया। उसे गंभीर जख्मी अवस्था में करीब के नंदनवार हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से कुछ देर के लिए परिसर में तनाव निर्माण हो गया। सक्करदरा पुलिस ने टैंकर चालक हमीद खान अब्बास खान सिंधीबन को गिरफ्तार करके मामला दर्ज किया है। इस घटना से परिसर में शोक की लहर फैल गई है, जबकि पुलिस इस घटना की तफ्तीश में लगी हुई है। अब एक जरूरी खबर। नागपुर स्थित वंजारी पानी की टंकी से जुड़ी 700 मिलीलीटर व्यास की जलवाहिनी से यांजरा रेलवे ट्रैक के पास रिसाव हो रहा है। इससे बड़े पैमाने पर पानी बर्बादी होने से मनपा और ऑरेंज सिटी वाटर की ओर से इस जलवाहिनी की मरम्मत के लिए बुधवार को 8 घंटे का शटडाउन लिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप वांजरी और कलमना पानी की टंकी से जलापूर्ति नहीं होगी। इस जलवाहिनी के बंद रहने से प्रभावित क्षेत्र में विनोबा भावे नगर, वनदेवी नगर, एचबी नगर, नागसेन वार्ड, संजय कॉलोनी, राजीव गांधी नगर, चिंतामणि नगर, वैष्णो देवी नगर, तुकाराम नगर, न्यू ओम नगर, ओम साई नगर, बेले नगर, वैभव लक्ष्मी नगर, भवानी नगर, गुलशन नगर आदि क्षेत्रों में 8 घंटे तक बुधवार को जलापूर्ति बाधित होगी। इसके अलावा आसिन नगर की 3 टंकी से 3 दिन जलापूर्ति नहीं होने की जानकारी भी दी गई है।
आसिन नगर जोन के तहत जलकुंभ स्वच्छता मुहिम के तहत आसिन नगर जोन क्षेत्र की बिना की पानी टंकी की 22 दिसंबर, बिना की एक टंकी की 23 दिसंबर और बिना की दो टंकी की 24 दिसंबर को सफाई की जाएगी। सफाई के दिन इन टंकियों से जलापूर्ति नहीं होगी, इसलिए नागरिक पहले ही घरों में पीने के पानी की व्यवस्था कर ले। आसिन नगर जोन के तहत 22 दिसंबर को प्रभावित क्षेत्र महर्षि दयानंद नगर, बाबा बुड्ढा जी नगर, पंचशील नगर, सुजाता नगर, फारूक नगर, महेंद्र नगर, बाबू पाटिल वाड़ी, पंचकुआ, वैशाली नगर, प्रवेश नगर, इनका समावेश होगा। वही 23 दिसंबर को प्रभावित क्षेत्र में संगम नगर, यशोधरा नगर, गरीब नवाज नगर, शिव शक्ति नगर, पावन नगर, संजीवनी वसाहत आदि का समावेश होगा। वही 24 दिसंबर को प्रभावित क्षेत्र आनंद नगर, पंचवटी नगर, धम्मदीप नगर, यादव नगर, एकता नगर, चिमुरकर लेआउट, सुदाम नगर आदि संजय गांधी नगर में जलापूर्ति बाधित होगी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नांदेड़ में अश्लील फोटो निकालकर अत्याचार करने वाले फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी हां, डॉक्टर ने युवती को बेहोश कर उसके साथ अत्याचार किया और अश्लील फोटोज निकाले। नांदेड़ जिले के किनवट शिवनी के एक डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए 21 वर्षीय युवती को बेहोशी की दवा देकर फर्जी डॉक्टर द्वारा उस पर अत्याचार कर अश्लील फोटो निकाले गए, बल्कि फोटो समाज में वायरल करने की भी धमकी डॉक्टर ने दी। पुलिस ने इस मामले में फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया और कार्रवाई की। इस्लापुर पुलिस थाने ने अत्याचार का मामला दर्ज किया गया। एक 21 वर्षीय तरुणी राहणार शिवनी येथील पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली की आमच्याकडे भाड्याने राहणारा नामे नवकुमार नारायण मंडळ डॉक्टर याने गुंगीचे औषध देऊन वारंवार माझ्यावर शारीरिक संबंध ठेवले व अत्याचार केला आहे व त्या संबंधाने माझे व्हिडिओ फोटो मोबाईलमध्ये ठेवले असून मला वारंवार धमक्या देत होता की त्या मला शारीरिक संबंध न ठेवू दिल्यास मी व्हायरल करेल, तुझ्या वडिलाला जीवाने मारेल, आईला जीवाने मारेल असे धमकी दिली होती। त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन इस्लापूर येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर 112/21 कलम 376(2)(5)(6)(5)(4) भादवीप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि सध्या आरोपी फरार असून शोध घेणे सुरू आहे। इस मामले से गुस्साए समाज के लोगों ने फर्जी डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। वैद्यकीय क्षेत्राच्या आडून अशा प्रकारचा अश्लील कर्तव्य अनेक ग्रामीण भागामध्ये सुरू आहे आणि त्याचाच परिपाक म्हणून अशा पद्धतीचं काम या ठिकाणी झालं आहे असं माझं मत आहे। या दृष्टिकोनातून आज जे काही पोलिसांच्या वतीने पाऊल उचललेलं आहे, आरोपीला अटक केलेली आहे, याबद्दल पोलीस प्रशासनाचं मी तर अभिनंदन करेनच, परंतु याही पुढे जाऊन या आरोपीविरुद्ध कठोरात कठोर कारवाई करून त्याच्याविरुद्ध कोर्टामध्ये साक्षी पुरावे सादर करून त्याला फास्ट कोर्टच्या न्यायालयामार्फत त्याला ताबडतोब गुन्हेगाराला शिक्षा झाली पाहिजे ही आमची मागणी आहे। नागपूर महानगरपालिका के उपद्रव शोधक दस्ते यानी NDS की ओर से नायलॉन मांजा व प्लास्टिक पदन जब्त करने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को 45 दुकानों की जांच की गई। दो दुकानों से 85 प्लास्टिक पतंग जब्त कर ₹2000 का जुर्माना वसूल किया गया। सतरंजीपुरा जोन के मुदलिया चौक स्थित
मॉडर्न जनरल स्टोर से 80 पतंग जब्त कर 2000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। जरीपटका में भी पतंग दुकानों की जांच की गई, जहां 3 जगहों से नायलॉन मांझा जब्त कर 7000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसी प्रकार एनडीएस ने 25 प्रतिष्ठान व मंगल कार्यालयों की भी औचक जांच की। इस दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे 2 प्रतिष्ठानों पर 15000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देश और एनडीएस प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के वाशी टोल नाका परिसर में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी। मुंबई के चेंबूर में हुई घटना वाशी नाका स्थित न्यू आरएनए माड़ा कॉलोनी में हुई, जिसमें 2 हमलावरों ने युवक को तलवार से मारने का भी प्रयास किया, लेकिन बड़े तलवार के वार से वो मामूली अंतर से बच गया। घायल युवक का नाम रविंद्र गायकवाड़ बताया जा रहा है। आरसीए पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में आरएनए पार्क करके एरिया जहाँ एमएमआरडी की बिल्डिंग्स है, वहाँ बहुत सारे मुंबई में जितना इंक्रोचमेंट होता है वह से उधर शिफ्टिंग होता है, वो लोग इधर सब पूरा बहुत सारे शिफ्ट किए गए हैं। उसमें 13 नंबर 31 नंबर के बीच में ये जो ये घटना हुई है आज शाम को 5 बज के करीबन। सर, ये लोग कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे? सर, कौन से हथियार से हमला हुआ है, क्या क्या इसमें बरामद हुआ? इसमें एक तलवार और आर्म एक्ट का यूज़ किया गया है ऐसा मालूम हो रहा है। अभी भी हम कौन सा आर्म है क्या है अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। आरोपी और आर्म्स वगैरह जो यूज़ किया है या तलवार जो यूज़ किया है उसका जो है हम जांच चालू है। जल्दी से जल्दी हम आरोपी को अरेस्ट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज या कोई आरोपी पहचान हुई है? आरोपी की एक आरोपी की पहचान हुई है और जो सीसीटीवी फुटेज जो है वो जगह पे नहीं है, लेकिन रास्ते में जो है हम सब पूरा ढूंढ रहे हैं। काली कलर की मोटरसाइकिल के ऊपर वो भाग गए, उसका भी हम जांच चालू रखी है। तो सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।